एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज क्वेश्चंस, दैट इज थिंक एंड टेल। ओके, एंड आई ऑलरेडी शो यू दैट पिक्चर ऑफ वॉटर प्लांट, दैट इज लोटस। ओके, व्हाई डू एक्वाटिक प्लांट्स डोंट गेट रॉटन इन वॉटर। ठीक है, और अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, लाइक अपन बात कर सकते हैं लोटस की भी, तो जो लोटस होता है उसके जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो भी अपने पास लीव्स होती हैं वो कैसी होती है। अगर जो प्लांट होता है अपने पास, अगर अपन ने उसको वाटर में रख दिया तो वो क्या करेगा, उसकी लीव्स वो स्पॉइल हो जाएंगी। लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉइल नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये अपने को डिस्कस करना है। ओके, तो इनमें क्या होता है, एज यू कैन सी हियर, यू माइट हैव सीन ए पॉन्ड, आपने पॉन्ड देखा होगा, देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एंड इन इट्स वाटर, इसके वाटर में प्रेजेंट होते हैं सम ऑफ दीज प्लांट्स, और उनमें से कुछ प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वॉटर, वो क्या करते हैं, वॉटर में सबमर्ज होते हैं। सम प्लांट्स आर हाफ सबमर्ज्ड, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हाफ सबमर्ज्ड होते हैं, बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन वॉटर। ठीक है, तो जो कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो पूरे सबमर्ज होते हैं, मतलब पूरे वॉटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, उनकी लीव्स है बिल्कुल, उनका सिंगल पार्ट भी बाहर नहीं रहता है। ठीक है, और कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें उन पूरा पार्ट जो होता है, पूरा प्लांट होता है वो किसमें होता है, वॉटर में होता है, बट उनकी जो लीव्स होती है वो फ्लोट करती रहती है वाटर पे। ठीक है, एंड सम प्लांट्स ग्रो इन फ्लोइंग वाटर टू। ठीक है, और जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पूरा ही उस पे वाटर में फ्लो करते रहते हैं एनी टाइम, व्हाइल सम अदर ग्रोन इन स्टिल स्टैग्नेंट वाटर, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो करते हैं। अंडरस्टैंड नाउ, नेक्स्ट डिस्कस एंड टेल। तो इन क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सी द एक्वाटिक प्लांट्स अराउंड यू, आप अपने चारों ओर आपको क्या देखना है, एक्वाटिक प्लांट्स देखना है, टेल दैट, और आपको बताना है हाउ डू द लीव्स ऑफ दोज प्लांट्स विच आर कॉमनली सबमर्ज लुक लाइक। ठीक है, इनकी जो लीव्स होती है वो किस टाइप से, मतलब कंप्लीटली सबमर्ज रहती है, और वो कैसे दिखते हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है और बताना है। ओके, देन यू कैन डू इन योर रफ नोटबुक दिस क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सोल्व करने हैं अपने आप से और रफ नोटबुक में। ओके, नाउ हु, हाउ डू द लीव्स ऑफ दोज प्लांट्स, और इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है पार्शियली सबमर्ज इन वाटर लुक लाइक। ठीक है, वो पार्शियली मतलब कुछ ही अमाउंट में क्या होता है, वॉटर में सबमर्ज होती है, तो उनके बारे में आपको बताना है। हाउ डू प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर लुक लाइक, और जो प्लांट्स हैं वाटर में वाटर का जो सर्फेस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट्स आपको किस टाइप से दिखाई देते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। अंडरस्टैंड नाउ, नेक्स्ट वी हैव इज, व्हाई आर द लीव्स ऑफ ए लोटस फ्लावर ब्रॉड। ठीक है, तो जो लोटस फ्लावर होता है उसकी जो लीव्स होती है वो ब्रॉड क्यों होती है, ये आपको बताना है। ओके, एंड देन व्हाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट्स इन फ्लोइंग वाटर। ठीक है, और जो फ्लोइंग वाटर की जो प्लांट होता है फ्लोइंग वाटर में, उसकी लीव्स कैसी होती है, ये आपको बताना है। एज थिन एज ए रिबन, रिबन जैसी होती है, या फिर बहुत थिन होती है, ये आपको कैसे होती है वो आपको बतानी है। मतलब इसमें ये बताना है कि जो फ्लोइंग प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, थिन होती है लाइक ए रिबन, वो क्यों होती है, व्हाई, इसमें आपको बताना है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द प्लांट ऑफ जलकुंभी, ये क्या है, जलकुंभी का प्लांट है। नाउ लोकेट द अबाउ पिक्चर एंड टेल। ठीक है, आपको ये जो पिक्चर है यहाँ पे, ये आपको देखना अच्छे से और आपको इसके बारे में बताना है। विच एक्वाटिक प्लांट हैज बीन शोन इन द अबाउ पिक्चर, इसमें कौन सा एक्वाटिक प्लांट आपको शो हो रहा है, ये आपको बताना है। तो ये आप नॉर्मली बता सकते हो, ठीक है, एंड इसके अलावा आपको क्या बताना है, डिस्कस एंड टेल। ओके, नाउ लुक एट द अबाउ पिक्चर, ये हो गया, ठीक है, देन डिस्कस एंड टेल, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ द होल पॉन्ड इज कवर्ड बाय पिसिया स्टे ट्यूट्स। ठीक है, क्या होगा अगर पूरा जो अपना पॉन्ड है वो किससे कवर हो जाएगा, जलकुंभी से,
तो क्या होगा ये आपको बताना है, व्हाट डिफिकल्टीज वुड अराइज फॉर अदर एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है। और इससे मतलब अगर पूरे वाटर को अगर इस प्लांट ने, जलकुंभी ने कवर कर लिया तो क्या होगा, और अगर ये पूरे प्लांट को मतलब पूरे पॉन्ड को इसने कवर कर लिया तो जो अपने एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा ये आपको बताना है। इफ पिस्सिया स्टेटियोट्स इज ग्रोन मच, अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है जलकुंभी प्लांट की, जिसका अदर नेम पिस्सिया स्टेटियोट्स भी है, ठीक है, अगर इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो क्या होगा ये आपको बताना है। ओके एंड देन नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट, ठीक है, और फिर आप समझ पाओगे पिस्सिया स्टेटियोट्स वो विच ग्रो नेचुरली, ठीक है, जो पिस्सिया स्टेटियोट्स हैं वो नेचुरली ग्रो करता है इन पॉन्ड में, पॉन्ड में नेचुरली ग्रो करता है एंड लैक्स स्प्रीड वेरी फास्टली, और लैक्स में बहुत ज़्यादा फास्टली ये ग्रो करता है एंड कवर्स द होल पॉन्ड कम्प्लीटली, और ये क्या करता है पूरे पॉन्ड को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इसको क्या करना होता है अपने को टाइम टू टाइम इसको रिमूव करना होता है, ठीक है, अदरवाइज अपने जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं एक्वाटिक वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके एंड नेक्स्ट, डू यू नो द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का जो मेन फैक्टर है ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स इन द डेप्थ, इसकी डेप्थ में जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने का जो मेन फैक्टर है वो क्या है, एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग, ठीक है, वो क्या होता है जब फ्लड आ रहा होता है तो उस टाइम पे अपने वो क्या होता है इनको, ये मेन फैक्टर होता है कि इन प्लांट्स को अपन कैसे कंट्रोल करें। हाउ एवर अदर फैक्टर ऑल्सो कंट्रोल देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसके अलावा अदर फैक्टर्स हैं वो भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, अबंडेंस एंड ग्रोथ फॉर्म, और ये क्या करते हैं ग्रोथ, इनकी ग्रोथ होती है और ये अबंडेंट होते हैं। दीज फैक्टर इंक्लूड न्यूट्रिशन, और इन फैक्टर्स में क्या होता है न्यूट्रिशन होता है, डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेव्स, और इनके वेव्स में भी डिस्टर्बेंस होता है, ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर, वाटर की सैलिनिटी होती है इसमें, और जो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं। ओके देन Now your chapter is completed. In our next video, we will discuss about our question answer of this chapter. So, thank you.